हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जाने हैं चना दाल वड़ा, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो चलिए चना दाल वड़ा बनाना शुरू करते हैं। चना दाल वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चने की दाल ली है। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया है और सारा पानी निकाल लिया है और ये अच्छे से एकदम फूल गई है। देखिए, इस तरह से तोड़ के देखें तो ये आसानी से टूट रही है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अब इसमें से 2 टेबल स्पून चने की दाल अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि जो बाजार में चने की दाल के वड़े मिलते हैं ना, उसमें साबुत दालें आती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच अलग से निकाल ली हैं और बाकी की दाल को कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हम मिक्सर का जार लेंगे, उसमें 2 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच काली मिर्ची डाल देंगे। इसको दरदरा पीस लेंगे। मसाले दरदरे पीस के तैयार हो गए हैं। अब इसमें भीगी हुई चने की दाल डाल देंगे। इसको भी दरदरा पीस लेंगे। पीसते टाइम ध्यान रखें दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है और मिक्सी को पल्स पे चलाना है। जैसे मिक्सी को स्टार्ट किया और तुरंत बंद कर दिया, फिर इससे स्टार्ट किया और तुरंत बंद कर दिया, बस इसी तरह से दाल को पीसेंगे। लगातार नहीं पीसना है। दाल पीस के तैयार हो गई है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दाल को दरदरा पीसा है। इसमें कुछ दाल के मोटे दाने भी आ रहे हैं। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के मसाले मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बारीक कटी हरी मिर्ची लूँगी, 1 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके ले लिया है, 1/4 कप हरा धनिया बारीक काट के ले लेंगे, 1 प्याज बारीक काट के ले लेंगे, जो 2 चम्मच दाल निकाली थी ना, इसमें डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, 5 से 6 करी पत्ता बारीक काट के डाल देंगे, 2 टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे। आप इसे बिना चावल के आटे से भी बना सकते हैं। चावल का आटा डालने से वड़े कुरकुरे बनते हैं। और लास्ट में इसमें 2 टेबल स्पून गुनगुना तेल डालेंगे, इससे बाइंडिंग अच्छी आएगी। अब सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर मिक्सचर आपका बहुत ज़्यादा दरदरा हो रहा है तो उस केस में आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या बेसन ऐड कर सकते हैं। इस तरह से मैं हाथों से मिक्सचर को मिला लूँगी। मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब इनके वड़े बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हथेली से इस तरह से गोल करेंगे। दोनों हथेलियों को प्रेस करेंगे और किनारों को स्मूथ कर लेंगे। अगर ये हथेलियों पे चिपक रहे हैं तो हथेलियों को तेल लगा के थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। देखिए, एक वड़ा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे वड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो ये लास्ट का
मिक्सचर बचा है इसका भी एक बड़ा बना के तैयार कर लेंगे। दोनों हथेलियों को प्रेस करेंगे और किनारों को स्मूथ कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे, इनको डीप फ्राई करेंगे। तो ये सारे वड़े बना के मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इनको डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरह से किनारों पर से इनको डालेंगे ताकि छींटे नहीं लगे। तेल अच्छा गर्म हो जाए तभी वड़ों को डालें इसमें। वड़े एक तरफ से थोड़े से सिक गए हैं, अब इन्हें पलट लेंगे। सारे वड़ों को पलट लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। चने की दाल सिकने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, नहीं तो वड़े बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। जब तक ये वड़े एकदम क्रिस्पी ना हो जाएं, तब तक इन्हें दोनों साइड से पलट पलट कर सेक लेंगे। देखिए दोनों साइडों से वड़े अच्छे से सिक गए हैं, अब इन्हें किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ दूसरे बैच के भी वड़े सेक के तैयार कर लिए हैं। देखिए सारे वड़े एकदम क्रिस्पी सिक के तैयार हो गए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी सिके हैं, अब इनकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे हरे धनिया की तीखी चटनी और टमाटो केचप के साथ इन्हें सर्व करूँगी। आप चाहे तो इन्हें चाय के साथ भी सर्व करें। इस तरह से ये एक वड़ा मैं तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कितना क्रिस्पी वड़ा सिक्के तैयार हुआ है और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।